जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। आज तारीख है 4। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है शीतला अष्टमी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको शीतला अष्टमी से जुड़ी बहुत सारी खास बातें बताने वाली हूँ, जैसे पूजा विधि, महत्व, कथा, बहुत सारी चीजें बताऊंगी। शीतला माता की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में शीतलता मिलती है और वह सदैव निरोग रहता है। देवी दुर्गा और माता पार्वती का ही अवतार है माता शीतला। तो आगे इस वीडियो में माता शीतला के बारे में और आपके राशिफल के बारे में जानकारी मिलने वाली है। लेकिन जैसा कि हम हर दिन अपनी वीडियो की शुरुआत पंचांग से करते हैं, तो पंचांग की शुरुआत करते हैं। तारीख है 4, दिन है रविवार, माह है चैत्र, पक्ष है कृष्ण, तिथि की बात करें तो वो है अष्टमी, नक्षत्र है आज पूर्वाषाढ़ा, चंद्रदेव रहेंगे धनु राशि में। वहीं शुभ समय की बात करें तो 11:59 से 12:49 तक आपको अभिजीत मुहूर्त है। राहु काल की बात करें तो शाम को 5:06 से 6:40 तक राहु काल चलेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा में है। और अगर बात करें चंद्रबल की तो मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। ये हो गई पंचांग की जानकारी। अब आपको आपका राशिफल बताएंगे और आज साथ ही शीतला अष्टमी भी है। शीतला अष्टमी के दिन जो है माता शीतला की पूजा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा के अनेक रूप है और उन्हीं में से एक रूप जो है देवी शीतला माता का है। माता शीतला आरोग्य और शीतलता प्रदान करने वाली देवी है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होती। जिस तरह माँ काली ने राक्षसों का नाश किया था, ठीक उसी तरह से माँ शीतला देवी व्यक्ति के अंदर छिपे रोग रूपी असुर का नाश करती हैं। माँ शीतला का व्रत और पूजा पाठ करने से व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। शीतला अष्टमी देश भर में अलग अलग जगह पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तिथियों पर मनाया जाता है, लेकिन इस व्रत का मूल भाव एक ही है। ये जो है आज हम मनाएंगे। और आपको बता दूं कि आज के दिन जो किस तरीके से पूजा करनी है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये राशिफल का वीडियो है और हमें राशिफल के बारे में चर्चा करनी है तो मैं आपको राशिफल बताऊंगी। और अगर आप शीतलाष्टमी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको हम बहुत सारी खास बातें बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी चीज़, बहुत सारे लोग अब जो है हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी जो है वीडियो को देखते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, तो कमेंट में वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स लिखते हैं। और आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि हम बहुत ही जल्द आपके लिए ऐसी सुविधा लेकर आने वाले हैं जिससे हम सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान ही आपको देंगे। ये वीडियो होता है जिसमें हम आपसे आपको आपका राशिफल बताते हैं और ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी देते हैं। इस वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान दे पाना हमारे लिए संभव नहीं था, इसीलिए हमने आपके लिए शुरुआत की है एस्ट्रोसेज वार्ता की। इस आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देश के अनुभवी ज्योतिषी हमारे पैनल पर मौजूद होंगे, आप उनसे जुड़कर, उनसे बात कर आप अपनी समस्याएं उन्हें बताइए, वो आपको उसका सटीक समाधान देंगे। और आपको बता दूं जब आप उनसे बात करेंगे तो उसका पहला मिनट आप सभी के लिए मुफ्त है। तो ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो जो लोग परेशानियां लिखते थे, आप एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़कर अपनी परेशानियों का समाधान अब पा सकते हैं। चलिए फिलहाल राशिफल का आनंद उठाइए, बात करेंगे पहली राशि की। लेकिन उससे पहले एक और खास जानकारी कि ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो मेष वाले, आज आप में चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है, हेल्थ पूरी तरह आपका साथ देगा। सलाह यही है कि गलत चीजों का सेवन ना करें तो आगे भी आप ऐसे ही रहेंगे। पैसों की बात करें तो आज व्यर्थ में पैसे खर्च करते हैं तो आज हो सकता है आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, तो आज पैसों को सोच समझ कर खर्च करना है। फैमिली लाइफ की बात करें तो घरेलू काम आज ज्यादा रहेगा जो कि थका देने वाला होगा और इसीलिए मानसिक तनाव भी हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो प्यार में अपने आज अशिष्ट बर्ताव के लिए माफी मांगे। जो लड़ाई झगड़ा मतभेद पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच चल रहा है उसको आज सॉल्व कीजिए। आपने अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए माफी मांगिए, या कुछ भी गलत शब्द कहे तो उसके लिए माफी मांगिए। जरूरी कामों को समय न देना और फिजूल के कामों पर वक्त जाया करना आज इस राशि के छात्रों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैरिड लोगों की बात करें तो जन्मदिन भूलने जैसी किसी छोटी सी बात को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है, लेकिन अंततः सब ठीक हो जाएगा। आज इस राशि की गृहिणियां जो हैं, घर पे आप गुस्सा हो सकती हैं और आप जो है किसी बात को लेकर आप में बहुत आज गुस्सा देखा जाएगा, तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आप गृहिणी हैं, आप जो है घर को चलाती हैं, अगर आप ही गुस्सा करेंगी तो घर का पूरा जो है संतुलन बिगड़ जाएगा, तो थोड़ा सा गुस्से पर आज आपको कंट्रोल बनाए रखना है, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग है केसरिया और पीला। और उपाय के तौर पर आज के दिन केसर का तिलक मस्तक पर करें और नाभि पर लगाएं, धन की स्थिति अच्छी होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। बेकार का तनाव और चिंताएं जिंदगी का रस निचोड़कर आपको पूरी तरह चूस सकती हैं, तो इसीलिए भलाई यही है कि इन आदतों को छोड़ दें, नहीं तो इनसे केवल आपकी परेशानियों में बढ़ोतरी ही होगी।
तनाव लेना आपकी सेहत को नुकसान देगा, मस्तिष्क को कमजोर कर देगा, तो तनाव मत लीजिएगा। आज आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसा मिलने वाला है जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप में से कुछ लोग गहने घरेलू सामान की खरीदारी भी आज करते नजर आएंगे। वहीं आप अपनी बातों को आज फैमिली में सही साबित करने के लिए आप अपने करीबी से झगड़ सकते हैं। प्रेमियों के साथ भी कुछ सेम ही होने वाला है। जो लवर्स हैं आज अपने प्रेमी पर हावी होते दिखाई देंगे, हालांकि आपका साथी जो है प्रेमी जो है वो समझदारी दिखाते हुए आपको शांत कर देगा। यदि आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या के बाद भी अपने लिए समय मिल रहा है तो आपको इस समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। जो छात्र हैं ऐसा करते हैं अगर आप, तो अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। आज इस राशि की जो गृहिणियां हैं आज घरेलू मोर्चे पर बढ़िया खाने और गहरी नींद का लुत्फ आप ले पाएंगी। आज आपके मन में उदासी रहेगी और आप नहीं जान पाएंगे कि इसका कारण क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज जीवन साथी जो आपकी इस उदासी को दूर करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो जो लोग मैरिड हैं अपने तनाव को अपनी उदासी को दूर करने के लिए अपने जीवन साथी से बातचीत कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफ़ेद, और उपाय के तौर पर आज आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। मस्तिष्क आज शांत रहेगा और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। दोस्तों आज शीतलाष्टमी है, तो हमने वीडियो के शुरुआत में आपको शीतला माता के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो पीछे जाकर थोड़ा सुन सकते हैं। शीतलाष्टमी है आज, शीतलाष्टमी पूजा का महत्व क्या होता है ये जान लीजिए। माँ शीतला के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से शीतलाष्टमी के दिन माँ शीतला का व्रत करता है उसके सभी कष्ट माता हर लेती है और उसे निरोग बना देती है। ऐसी भी मान्यता है कि शीतलाष्टमी के दिन व्रत करने से चिकन पॉक्स, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार, खसरा और चेचक जैसे अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है। तो जो लोग बीमार रहते हैं अक्सर उनके लिए आज का दिन बेहद शुभ है। आज माँ शीतला की पूजा जरूर कीजिएगा। आगे और भी खास बातें हैं, किस तरीके से पूजा करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, और क्यों करते हैं आज के दिन माँ शीतला की पूजा ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिर से राशिफल पे आ जाते हैं। मिथुन वालों की बारी है, ध्यान से सुनिए। अगर आप पिछले कुछ वक्त से झुंझलाहट महसूस कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि सही कर्म और विचार आज आपके लिए बहुप्रतीक्षित राहत लेकर आएंगे। आज सिर्फ बैठने के बजाय कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपकी कमाई में भी इजाफा कर सके। आज जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, आर्थिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्रिएटिविटी का सहारा लीजिए। मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां आज मजेदार रहेंगी। अगर पूरे परिवार की उसमें सहभागिता हो तो आज फैमिली के साथ मिलकर कुछ एंटरटेनिंग करें। आज किसी ऐसे इंसान से आप मिल सकते हैं जो आपको दिल की गहराई से छुएगा, यानी आज जो सिंगल है उनको कोई खास उनकी लाइफ में आएगा। आज के दिन यात्रा, मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलना होगा। वहीं जो लोग मैरिड हैं, जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग जो है वो धरती पर ही है। आज आप सबसे दूर जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपके मन में संन्यास लेने की भावना आज प्रबल रहेगी। चलिए जानते हैं आपके लिए शुभ अंक क्या है। तो आज आपके लिए जो लकी नंबर है वो रहेगा 9, लकी कलर है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर आज छिलके सहित बादाम, साबुत मूंगफली, चने की दाल, घी, पीला कपड़ा किसी देव स्थान में दान में दें, इससे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बाकी माँ शीतला की पूजा जरूर करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। शारीरिक व्यायाम और वजन घटाने की कोशिशें आपके रंग रूप को निखारने में फायदेमंद साबित होंगी। दिन की शुरुआत में ही आज आपको कोई आर्थिक हानि हो सकती है जिससे सारा दिन खराब हो सकता है। बात करें फैमिली की, तो जिन लोगों को आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए आज अच्छा दिन है। यानी आज रिलेटिव से जिनसे आपने काफ़ी दिनों से नहीं बातचीत की है, नहीं मिले हैं दोस्तों से, तो उनसे आज मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो रोमांचक दिन है, क्योंकि आज आपका लव पार्टनर जो है आज इस दिन को बहुत अच्छा बनाएगा, लव लाइफ को काफ़ी अच्छा बना देगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आज इस राशि के छात्रों को इस बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आज आप खाली समय में किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे और एकांत में आनंदित रहेंगे। मैरिड लोगों की बात करें तो आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। वहीं आज सफर करते दौरान किसी विपरीत लिंगी शख्स से आपकी आंखें चार हो सकती हैं। बात करें शुभ अंक की तो है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। और उपाय के तौर पर आज जलन, दाह और ईर्ष्या से बचे, इससे आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी सेहत पूरी तरह दुरुस्त रहेगी। वहीं जीवन साथी की खराब तबीयत के कारण आज आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन आपको इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन इसीलिए बचाया जाता है कि बुरे समय में वो काम आ सके। लोगों और उनके इरादों के बारे में आज कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना ले, हो सकता है कि वो किसी दबाव में हो और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो। आज के दिन बागानी करना और नेचर से खुद को कनेक्ट करना आपको काफ़ी राहत देगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे। तो कोई ज़रूर पौधा लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो अगर घर में बागान है तो उसमें पेड़ पौधों की देखभाल कीजिए। आज आप सारे रिश्ते नातों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां आपको शांति मिल सके। मैरिड लोगों की बात करें
तो आपको अपने जीवन साथी का सख्त और रूखा पहलू भी आज देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आप असहज महसूस करेंगे। गृहिणियों की बात करें तो आज आप किसी करीबी के पास जा सकती हैं, करीबी रिश्तेदार या दोस्तों के पास आप मिलने उनसे जा सकती हैं। बात करते हैं शुभ अंक की, तो वो है आपके लिए दो। शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर आज के दिन फलदार पौधे लगाएं, पारिवारिक जीवन में शुभता आएगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों आज शीतलाष्टमी है, हमने शीतलाष्टमी के बारे में वीडियो की शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत सारी जानकारियां दी हैं। जिन लोगों ने नहीं सुना उसको थोड़ा सा आप बैक करके सुन सकते हैं। यही कहना चाहेंगे कि माँ शीतला की पूजा जरूर करें, और खासतौर पर उन लोगों को जरूर करनी चाहिए जो बीमार रहते हैं। आपको माँ शीतला के बारे में एक और खास चीज़ बताऊंगी कि माँ शीतला को क्यों चढ़ाते हैं बासी भोग, उन्हें बासी भोग चढ़ाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, ये उनकी जानकारी के लिए है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, एक दिन पहले सारा भोजन बनकर तैयार कर लिया जाता है। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर घर की महिलाएं शीतला माता की पूजा करने के बाद माँ को बासी भोजन का भोग लगाती हैं, और घर के सभी सदस्य भी बासी भोजन ही करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन ताज़ा खाना खाना और गर्म पानी से स्नान करना वर्जित होता है। तो ये एक चीज़ है जो आपको शायद नहीं पता होगी, बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ अप्लाई की जाती है, बहुत सारी जगह पर लोग अपने अपने तरीके से चीज़ें करते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है कि बासी भोग चढ़ाते हैं माता को, ये जिन लोगों को नहीं पता था हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी खास बातें हैं, आगे हम आपको वीडियो में जो है विधि भी बताएंगे, लेकिन फिर से आ जाते हैं राशिफल पे। तो अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। अपनी क्षमताओं को पहचानें, क्योंकि आपके अंदर ताकत की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। अपने अंदर धन को सुरक्षित जगह पर रखिए, आपके पास जो अतिरिक्त धन है उसको सेव करके रखिए, ताकि आने वाले वक्त में आप उसे फिर से पा सके। बच्चे जो कुछ बन पड़ेगा वो आपको आज खुश रखने के लिए करेंगे। वहीं आज आपके लव पार्टनर की ईमानदारी पर आपको शक नहीं करना है। खाली वक्त का आज जो है आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे इस राशि के छात्र जो बीते दिनों में पूरे नहीं हो पाए थे। मैरिड लोगों की बात करें तो अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन आज गुजार सकते हैं। आपकी बात करने का तरीका आज बहुत ही खराब होगा इस राशि की गृहिणियों का, और आज आप लोगों की नज़र में अपना मान सम्मान भी खो सकते हैं। तो बात करने का तरीका जरूर अच्छा रखिएगा। गुस्से की वजह से भले ही आप ये कर रही हैं, लेकिन थोड़ी देर के गुस्सा जो है ये आपकी पूरी जो है इमेज को खराब कर सकता है। तो आज ध्यान रखना है इस बात पर आपको। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग है लाल और मैरून, और उपाय के तौर पर आज के दिन काले सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जीत का जश्न आपके दिल को खुशी से भर देगा। इस उत्साह को दोगुना करने के लिए आप अपनी खुशी में दोस्तों को भागीदार बना सकते हैं। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको आर्थिक हानि हो। कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगी, वह जिसे आप चाहते हैं उसके साथ आपका तल्ख रवैया आपके रिश्ते में दूरी बढ़ा सकता है। जीवन का आनंद लेने के लिए आपको अपने दोस्तों को भी समय देना चाहिए। अगर आप समाज से कटकर रहेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ भी कोई नहीं होगा। संभव है कि आपके जीवन साथी की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ी ठेस पहुंचे। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। चलिए बात करें शुभ अंक की, तो आज आपके लिए जो लकी नंबर है वो है 3। लकी कलर है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर आज के दिन शनि मंदिर में 7 बादाम और 7 काली उड़द जो है जरूर चढ़ा दे दाने, ये आपके प्रेम संबंध को मजबूती देगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों माँ शीतला के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, तो उनका स्वरूप कैसा है ये हम जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज शीतलाष्टमी है। शक्ति का स्वरूप देवी दुर्गा और माँ पार्वती का अवतार कही जाने वाली माता शीतला का स्वरूप बेहद आकर्षित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला गधे की सवारी करती हैं और उन्हें एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में ठंडे जल का कलश धारण किया है। माता शीतला ने नीम के पत्तों से बने आभूषणों को भी धारण किया है और उनके मुख पर एक विशेष प्रकार का तेज है। देवी पार्वती और देवी दुर्गा का यह स्वरूप व्यक्ति को सभी तरह के शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। कैसे करते हैं माँ शीतला की पूजा आगे आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिर से राशिफल पे आ जाते हैं। बारी है वृश्चिक वालों की। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है और आपका स्वास्थ्य भी आज पूरी तरह आपका साथ देगा। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। वहीं पारिवारिक तनाव को अपनी एकाग्रता भंग ना करने दें। दोस्तों बुरा दौर ज्यादा सिखाता है, तो उदासी के भंवर में खुद को खोकर वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि जिंदगी जो सबक दे रही है उसको जाने और सीखें। अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की भी संभावना है। वहीं आज अपने जबरदस्त आत्मविश्वास का फायदा उठाएं, बाहर निकलें, कुछ नए संपर्क और दोस्त बनाएं, इससे इस राशि के छात्रों को बहुत फायदा मिलेगा। मैरिड लोगों की बात करें तो आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकते हैं। अपने साथी के लिए कोई बेहतरीन पकवान बनाना आपके फीके पड़े रिश्तों में भी गर्म जोशी भर सकता है।
गृहिणियों को आज अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है क्योंकि आप पे काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। और उपाय के तौर पर आज किसी गौशाला में हरा चारा दान में दें या गाय को रोटी खिलाएं, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। आपका गुस्सा राई का पहाड़ बना सकता है जो आपके परिवार को नाराज कर देगा। वे लोग खुशकिस्मत हैं जो अपने गुस्से पर काबू रख सकते हैं। इससे पहले कि आपका गुस्सा आपको खत्म करे, आप उसे खत्म कर दें। रात के समय आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आपको आज वापस मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताएं, वहीं अपने प्रिय से कुछ भी तल्ख कहने से बचे, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरूकता में वृद्धि करेंगे। मुश्किल हालात से उबरने में आपके जीवन साथी की तरफ से ज्यादा सहयोग हासिल नहीं होगा। आज का दिन दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शॉपिंग पर जाने का है, बस अपने खर्चों पर थोड़ी नजर रखें। तो जो गृहिणियां हैं क्या खरीदारी करती हैं ये जरूर देखेगा। अननेसेसरी चीजों की खरीदारी करती हैं तो आर्थिक जीवन पर थोड़ा असर पड़ेगा। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। और उपाय के तौर पर अच्छी सेहत के लिए सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। आपका सबसे बड़ा सपना आज हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखें क्योंकि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। अपने धन का संचय कैसे करना है यह हुनर आज आप सीख सकते हैं, और इस हुनर को सीख कर आज जो है आप अपना धन बचा सकते हैं। आपको अपने रोजमर्रा के कामों से छुट्टी लेकर आज दोस्तों के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। वहीं रुमानियत का मौसम आज जरा खराब सा लगता है क्योंकि आपका साथी आपसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करेगा। छात्रों के दिमाग में आज प्यार का बुखार छा सकता है और इस वजह से उनका काफी समय बर्बाद हो सकता है। गलतफहमी के लंबे दौर के बाद इस शाम आपको जीवन साथी के प्यार का तोहफा नसीब होगा। आज का दिन तनाव से मुक्त रहने की कोशिश करें, इसीलिए आराम करने पर थोड़ा ज्यादा जोर दें। चलिए अब बात करते हैं आपके शुभ अंक की, तो वह है 2। शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। और उपाय के तौर पर आज काले चने गरीबों में बांटे, इससे प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। आपके पास अपनी सेहत और रूप रंग को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि ये योजना सफल भी होगी। शाम के वक्त अचानक मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार की खुशी और उत्साह की वजह साबित होगी। आपके ईमानदार और जिंदादिल प्यार में जादू करने की ताकत है। आज प्यार पैसा परिवार से दूर होकर आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से भी मिलने जा सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। वहीं संभव है कि आध्यात्मिकता की ओर तीव्र खिंचाव आपको महसूस हो इस राशि के छात्रों को, और आप आध्यात्मिक चीजों से जुड़ने की कोशिश करें। आप किसी योग कैंप में भी जाने या किसी धर्म गुरु के प्रवचन को सुनने का जो है आप मन बनाएंगे, या फिर कोई आध्यात्मिक पुस्तक भी पढ़ सकते हैं आप। बात करते हैं शुभ अंक की, तो वह है 8। शुभ रंग है काला और नीला। और उपाय के तौर पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरी ज्वार का दान करें या गाय को खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कुंभ राशि के जातकों की। आज शीतलाष्टमी है और हमने आपको वीडियो की शुरुआत से लेकर अब तक बहुत सारी माता शीतला के बारे में और शीतलाष्टमी के बारे में जानकारी दी है। अगर आपने नहीं सुनी है तो आप पीछे जाकर सुन सकते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करनी है आपको माता शीतला की पूजा। सबसे पहले प्रातः काल उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा करने के लिए 2 थाली सजाएं। 1 थाली में दही, रोटी, पुआ, बाजरा, नमक पारे, मठरी और सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखें। 2 थाली में आटे का दीपक बनाकर रखें। रोली, वस्त्र, अशत, सिक्का और मेहंदी रखें और ठंडे पानी से भरा लोटा भी रखें। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाए रख दें और फिर थाली में रखा भोग चढ़ाएं। नीम के पेड़ पर भी जल चढ़ाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोपहर के वक्त शीतला माता के मंदिर में जाकर फिर से पूजा अर्चना करनी है। माता को जल चढ़ाना है, रोली हल्दी का टीका करना है, माँ को मेहंदी लगाएं और नए वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद बासी खाने का भोग लगाकर कपूर जलाकर आरती करें। संभव हो तो जहाँ होलिका दहन हुई थी वहाँ वाली जगह पर भी जाकर पूजा जरूर करें। पूजा सामग्री बचने पर किसी गाय या ब्राह्मण को दान दे दें। तो इस तरीके से आपको माता शीतला की पूजा करनी है। ये पूजा विधि हो गई। बाकी हर क्षेत्रीय स्थान पर अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। हमारा ये जो कॉमन एक पूजा का तरीका है हमने आपको वो बता दिया। चलिए अब सबसे आखिरी राशि की बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों की। अपने विचार और ऊर्जा को उन कामों में लगाएं जिनसे आपके सपने हकीकत का रूप ले सकते हैं। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। अभी तक आपके साथ समस्या यह है कि आप कोशिश करने के बजाय केवल इच्छा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आपको धन लाभ तो हो सकता है लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी।
परिवार के लोगों के बीच पैसे को लेकर आज कहासुनी हो सकती है। पैसों के मामलों में आपको परिवार के सभी लोगों को स्पष्ट होने की सलाह देनी चाहिए। दिन रोमांचक है क्योंकि आपके प्रिय का आज फोन आएगा। वहीं इस राशि के बच्चे आज खेलकूद में दिन बिता सकते हैं। ऐसे में माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चोट आदि लगने की संभावना है। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही। आज विदेश में रहने वाले किसी शख्स में से आपको कोई बुरी खबर भी मिल सकती है। दूर रहने वाले किसी इंसान से कोई बुरी खबर मिल सकती है। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी गुलाबी। और उपाय के तौर पर आज तांबे का सिक्का लाल धागे में पिरोकर गले में धारण करें, इससे आप ऊर्जावान बने रहेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा आज का दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। बहुत सारी खास जानकारियां दी हैं। आज शीतलाष्टमी है तो उसके बारे में भी हमने आपको खास बातें बताई हैं, किस तरीके से माता शीतला की पूजा करनी है, क्यों करते हैं, तमाम जानकारियां इस वीडियो में है, सुन सकते हैं आप, देख सकते हैं आप। बाकी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। एस्ट्रोसेज वार्ता इस आई बटन पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और हम आपकी समस्याओं का समाधान देंगे। देश के विशेषज्ञ जो है, बहुत ही अनुभवी ज्योतिष हमारे पैनल पर मौजूद हैं, जो आपके जो सवाल होंगे उसका जवाब जो है आपकी चार्ट बना के आपकी डिटेल्स को पूछने के बाद देंगे। और आपको बता दूं कि जब आप उनसे जुड़ेंगे, पहला कॉल करेंगे, तो आपको हर कॉल का पहला मिनट जो है वो मुफ्त मिलता है। तो आप उनसे बात कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान जान लीजिए। तो ये हो गई आज की बात। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, क्योंकि हर शाम मैं आपके लिए 5 बजे लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल। देखना मत भूलिएगा। और बाकी अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। मिलेंगे आपसे कल। जाने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन आता है, जिनकी एनिवर्सरी है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही शीतलाष्टमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मिलेंगे कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।